नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी जो 40 प्रश्नों की जो सीरीज है, आज हम उसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि उत्तराखंड जो चयन आयोग है, जो UK SSSC है, उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। उस कैलेंडर के हिसाब से उसने आगामी 3 परीक्षाओं की डेट दे दी है, 21 मई, उसके बाद जून में, और फिर उसके बाद BPDO को जुलाई में। तो 3 परीक्षाओं की डेट दे चुका है UK SSSC। इसी डेट के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसी क्रम में हम इस सीरीज को लेकर आपके सामने लगातार आते रहेंगे, ठीक। और जो भी अपडेट आयोग के द्वारा दिए जाएंगे, उन सभी अपडेटों को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इसी श्रृंखला का पहले प्रश्न के रूप में लेकर आ रहे हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे है स्लोगन, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, यानी कि यह जो नारा है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी अनिल प्रकाश और डी गौरा देवी। जब हम इस नारे की बात करते हैं तो यह जो नारा है इसको उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय को बचाने के लिए 1981 से 83 तक एक यात्रा निकाली थी जिसको हिमालय बचाओ यात्रा के नाम से जानते हैं, हिमालय बचाओ यात्रा। इसी यात्रा के समय इन्होंने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। यह यात्रा हिमालय के विभिन्न राज्यों से गुजर कर गई और उन्होंने इसी यात्रा के समय यह नारा दिया था। हिमवती नंदन बहुगुणा जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनिल प्रकाश जोशी हेस्को के फाउंडर हैं और गौरा देवी को तो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनके बारे में कुछ जानकारियां प्रमुख हैं, जैसे 1981 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री 1981 में दिया गया था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं लूंगा, यानी कि उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, तो रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद इनको 2009 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा कुछ आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, जैसे एक सबसे जो प्रमुख आंदोलन है वो है हमारा कौन सा, चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, तो एक इनके लिए चिपको आंदोलन, पहला चिपको। दूसरा जो टिहरी बांध है उसका भी इन्होंने विरोध किया था, टिहरी बांध, और यह पहले व्यक्ति हैं जो टिहरी बांध के विरोध में, यानी कि टिहरी बांध नहीं बनना चाहिए क्योंकि पर्यावरण खतरे थे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की। तो टिहरी बांध के विरोध में भूख हड़ताल करने वाले यह पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन संख्या ए सुंदरलाल बहुगुणा। आइए ऑप्शन संख्या क्वेश्चन नंबर 2 पे। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की, अनिल प्रकाश जोशी ने हेस्को की स्थापना कब की? तो सबसे पहले डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने अपने एक संगठन की स्थापना की। यह संगठन किसके लिए कार्य करता है? पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करता है, और इस संगठन को हेस्को के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको हेस्को को जानते हैं। इसकी स्थापना 1979 में किसने की थी? अनिल प्रकाश जोशी ने। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास इसमें सही है, 1979 में
अनिल प्रकाश जोशी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। अनिल प्रकाश जोशी को भारत सरकार के द्वारा दो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं, एक तो इनको पद्मश्री दिया गया है और दूसरा इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक। और जब हम बात करते हैं इनको, तो इनको पद्मश्री कब दिया गया, तो पद्मश्री इनको 2006 में इनको पद्मश्री, जबकि पद्म भूषण इनको 2020 में दिया गया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जीप का, और ये इन्होंने और इस जो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है जीप का, यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड हमेशा ही ग्रीन बोनस की मांग करता है, उसका जो आधार है वो यही जीप है, और इसको देने का कार्य किसने किया था, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। और अब उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जिस प्रकार हम जीडीपी में, जिस प्रकार हम क्या करते हैं जीडीपी मतलब बजट में जीडीपी की गणना करते हैं, उसी प्रकार हम बजट में अब जीईपी की भी गणना करेंगे, ठीक है। तो जीईपी की भी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे, ये अनिल प्रकाश जोशी जी के फॉर्मूले के आधार। अगला, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया है, तो जब हम बात करते हैं यू कॉस्ट की, यू कॉस्ट, यू कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी परिषद है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 2005 में की गई है और इसका मुख्यालय झाझरा में है, जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है, और इसी से संबंधित प्रश्न हाल में ही पूछा गया था, यू कॉस्ट के जो मुखिया कौन है, तो डॉक्टर दुर्गेश पंत वर्तमान में यू कॉस्ट के मुखिया है। अगला, गढ़ राजवंश का इतिहास किसकी कीर्ति है, तो गुमानी पंत ने ऐसा कोई भी नहीं लिखा था, पर गुमानी पंत के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पहले राइटर थे जिन्होंने पहले राइटर थे या पहले लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लिखा था, ब्रिटिश का विरोध। रतन कवि ने ऐसी कोई रचना नहीं लिखी है, मौला राम ने इस प्रकार की रचना लिखी है, और मौला राम परमार वंश के या परमार वंश में एक चित्रकार थे, यानी कि जब गढ़वाल में परमार वंश का शासन था उस समय एक चित्रकार थे, और मौला राम की विशेषता क्या थी कि यह या इनके जो पूर्वज थे वो मूलतः सुनार जाति के थे, यानी कि स्वर्णकार का कार्य करते थे। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू होता है, ठीक। इस समय जो मुख्यमंत्री थे यानी कि सीएम थे हमारे, वो कौन थे, वो थे हरीश रावत। कौन थे, हरीश रावत। हरीश रावत जी इस समय उत्तराखंड के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें पहली बार जो संशोधन हुआ है वो 2009 में हुआ है, 2019 में इसमें पहली बार क्या हो रखा है, संशोधन हुआ है। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक। यहां पर कुछ प्रमुख है जैसे शिक्षा की अनिवार्यता है, यानी कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बच्चों की क्या है, अनिवार्यता है, यानी कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए आपके, घर में आपका शौचालय होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, तो ये हमारी क्या है, इसकी प्रमुख स्थिति है। चलिए अगला, चेनाब घाटी कहां पर स्थित है, तो उत्तरकाशी में भी नहीं है, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, ये हमारी कहां है, चमोली में है, और ये जो चेनाब घाटी है यह एक फूलों की घाटी, यानी कि फूलों की घाटी है, यहां पर फूल पाए जाते हैं, जबकि जो
फूलों की घाटी है जिसका नाम फूलों की घाटी है, वह घाटी भी कहां है? चमोली में ही है। ठीक, तो फूलों की घाटी कहां है? चमोली में। तो चेनाब घाटी भी कहां है? चमोली में। यहां पर विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस प्राचीन जाति को सवर या मुंड कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोल को। ठीक, कोल को उत्तराखंड में, या जो कोल है उसको सवर और मुंड कहते हैं। आपको कोल के बारे में एक चीज याद होनी चाहिए, या एक प्रश्न है जो कोल के बारे में बनता है। उत्तराखंड का पहला निर्जातीय समूह कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला निर्जातीय समूह कौन है? कोल है। याद रखिए, उत्तराखंड में कुछ पूरा जातियां हैं जिनको हम इस प्रकार लिखते हैं, कोल, उसके बाद किरात, और उसके बाद खस। ठीक, तो ये तीन, और इसके बाद भोटिया भी आता है। तो ये क्या है? उत्तराखंड के प्रमुख जन पूरा जातियां हैं। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले कितने दर्रे हैं? तो चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, आठ भी नहीं है, छह दर्रे हैं। अब पहले तो आपको याद रखना होगा कि जो तिब्बत है इससे उत्तराखंड के तीन जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में कुछ दर्रे हैं जो जिनकी संख्या छह है। ये क्या करते हैं? तिब्बत के साथ क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। अब जो ये तिब्बत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले जो हमारे क्या हैं? दर्रे हैं। इनमें है दारमा, ऊंठा, ऊंठा, लंपिया, नवी धुरा, दारमा, ऊठा, लंपिया, नवी धुरा, मनसिया, 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 और अंतिम है लिपु लेख। आपके लिए लिपु लेख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लिपु लेख है यहां से एक यात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को आठ भागों में बांटा जाता है। इसको हम कैसे बांटते हैं? ये देखते हैं, उत्तर तो हमारा क्या है? आठ। एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि सबसे पहले हमारा आएगा ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय, फिर आएगा हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर आएगा तून या द्वार, इसके बाद शिवालिक, ये भावर, तराई और गंगा का मैदान। एक, दो, तीन, चार,
पांच छह सात आठ, यानी कि उत्तराखंड को अगर हम भौगोलिक रूप से बांटे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, दून द्वार, शिवालिक, भावर, तराई और गंगा का मैदान, इतने भागों में हम क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर हम देखें तो उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर आठ भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न, सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा कब शुरू की गई थी? सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे 21 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। यह रोपवे कद्दू खाल से और सुरकंडा मंदिर तक है। ठीक है, सुरकंडा मंदिर, ये जो सुरकंडा मंदिर है यह मां सती का यहां पर सिर गिरा था, इसीलिए इसको सुरकंडा कहते हैं। और यह टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है, टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। यह एक शक्तिपीठ है, यह क्या है, एक शक्तिपीठ है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में निवासरत भोटिया, थारू, जौनसारी, मोक्सा एवं राजी को अनुसूचित जनजाति, यानी कि अगर हम आसान तरीके से बोले तो इसको एसटी कब घोषित किया गया, तो इसको 1967 में एसटी घोषित किया गया। उत्तराखंड में पांच जनजातियां हैं, ठीक, इसमें जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया और राजी है। जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा गढ़वाल में है। थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। राजी उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है। ये प्रश्न आपके यहां से बनेंगे। चलिए अगला, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी, इनको कहते हैं कुमाऊं का। अगला आ जाओ माधव सिंह भंडारी, तो माधव सिंह भंडारी को बोलते हैं 16वीं शताब्दी का इंजीनियर। ठीक, पूरिया नेथानी, इनको कहते हैं गढ़वाल का चाणक्य। तो ऑप्शन संख्या सी चक्रधर जुयाल, इनको कहते हैं उत्तराखंड का जनरल डायर। अब ये जो पूरिया नेथानी थे, यह उत्तराखंड में इनको बहुत ताकतवर व्यक्तियों में गिना जाता है। पूरिया नेथानी गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के संरक्षक थे। किसके? प्रदीप शाह के संरक्षक। हो गया, चलिए प्रदीप शाह के क्या थे, संरक्षक। चलिए अगला प्रश्न, गौरा देवी को वृक्ष मित्र सम्मान, वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र जो सम्मान है वो 1986 में दिया गया। ठीक, गौरा देवी को कब दिया गया, तो गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। गौरा देवी रैणी गांव की रहने वाली थी। इनको उत्तराखंड में चिपको वुमेन कहते हैं। इन्होंने 1973 में चिपको मूवमेंट को क्या किया था, शुरू किया था। इनको गौरा माई भी कहते हैं, गौरा माई भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया? तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड के तीन शहरों को शामिल किया गया था। एक है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, अगला है कुमाऊं का प्रसिद्ध शहर काशीपुर, और तीसरा है गढ़वाल का ऋषिकेश। ठीक, तो ये तीन शहर। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड आंदोलन के समय के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु
फिल्म रक्त रंजित का निर्देशन किया था। तो ये है जयदेव भट्टाचार्य, इन्होंने ये रक्त रंजित नाम की एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। अब उत्तराखंड आंदोलन के समय जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ, उसी को हम रामपुर तिराया या मुजफ्फरनगर कांड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। और इस दिन एक निरंकुश सरकार ने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई और यहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो 2 अक्टूबर 1994 जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है थल मेला, जौल जीविक थल मेला, ठीक है। ये पिथौरागढ़ में होता है थल मेला, जौल जीवी यह भी कहां पर होता है? यह भी पिथौरागढ़ में होता है। सोमेश्वर मेला ये अल्मोड़ा में होता है, चैती मेला यूएस नगर में होता है, ठीक। जौल जीवी का जो मेला है वो एक व्यापारिक मेला है, ठीक। और जो थल मेला है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भक्त दर्शन के द्वारा। तो भक्त दर्शन के द्वारा, भक्त दर्शन उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों में से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म का चयन कीजिए? तो भीमगढ़ ढकरानी परियोजना किस पर है? यमुना पे है, ये गंगा पे है, ये अलकनंदा पे है और ये नंदाग्नि पे है। यानी कि भीमगौड़ा गंगा पे, उत्यासु अलकनंदा पे, बनाला नंदाग्नि पे। तो यानी कि हमारे पास जो गलत है वो ये है, कौन सा? यमुना टॉम्स वाला। तो ढकरानी किस पे है? यमुना नदी पे है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो यह जो कॉलेज है, विधि का मतलब होता है लॉ कॉलेज। उत्तराखंड के किस स्थान पे लॉ कॉलेज है? तो उत्तराखंड के चमोली का जो गोपेश्वर है, जो चमोली जिले का क्या है, हेडक्वार्टर भी है, तो यहां पर सरकार के द्वारा विधि कॉलेज की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वालदिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है नौकायन से। ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, ओलंपिक में खेला है। इनके नाम पर जो पिथौरागढ़ का जो स्टेडियम है उसका नामकरण इनके नाम पर किया गया है, सुरेंद्र सिंह वालदिया स्टेडियम, ठीक, स्टेडियम। दूसरा, जो हमारे वालदिया जी है, इनको 1997 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार भी दिया है। और देखिए कितने महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। चलिए अगला, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है? तो जो दीप जोशी है, यह झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। और ये जो दीप जोशी है, ये आदिवासियों के लिए काम करते हैं, जिस कारण इनको ग्रामीण विकास का संत कहते हैं। बाबा रामदेव आपको सबको पता है, योग गुरु है। वंदना शिवा आपको पता है, एक पर्यावरणविद है। सच्चिदानंद भारती भी पर्यावरणविद है, इन्होंने उपरोखाल से चाल खाल आंदोलन शुरू किया था। तो इसका उत्तर है दीप जोशी, दीप जोशी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। अगला, इंद्रासन शक्तिपीठ कहाँ है? तो यह कंडाली में है और यह उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध क्या है, शक्तिपीठ है, इंद्रासन शक्तिपीठ। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया, यानी कि एक क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है, और वो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिले में। या ये जो पोर्टल है, यदि आप कभी उत्तरकाशी जिले के इस गंगोत्री नेशनल पार्क में घूमने जाना चाहें, तो आपको ऑनलाइन ही क्या लेना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप यहां पर जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली
कब शुरू की गई, यानी कि उत्तराखंड में नगर कब शुरू किए गए, ठीक है, यानी कि पहली बार उत्तराखंड में नगर कब बनते हैं। तो इसका हमको उत्तर जो मिलता है वो है इसका उत्तर बी 1916, नगरीय शासन व्यवस्था 1916 से शुरू होती है। उत्तराखंड उदय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को हुई। ये योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या होगा कि हर जगह से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से जो उदयमान खिलाड़ी है उनका चयन किया जाएगा और उनको आगे ट्रेनिंग के लिए मासिक क्या दिया जाएगा, वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वो लोग अपनी ट्रेनिंग को अच्छे ढंग से कर पाए, उनको खाने पीने की, तो लगभग 3,000 रुपया इसमें क्या दिया जाएगा, वजीफा या छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। अगला, नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया। तो यह जो कानून है ये 1929 में लाया गया और इससे पहले नायक सुधार समिति 1917 में बनी थी। नायक सुधार समिति, नायक सुधार समिति। अब ये नायक है क्या चीज, पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए भाई, नायक जाति क्या है, इनकी बालिकाओं के लिए क्यों ये कार्य किया। अब जब हम नायक जाति की बात करते हैं तो हुआ क्या, बहुत स्टोरी है इसके पीछे, जो कहानी है, कुमाऊं में एक राजवंश था, राजवंश का नाम था चंद्रवंश। क्या था? चंद्रवंश। इस चंद्रवंश के एक राजा हुआ करते थे भारती। अभी जो चंद्रवंश था इसके इस तरफ यानी कि इसके पूर्व की तरफ एक राज्य था जिसको कहते थे डोटी, और इस डोटी में जो राजवंश था उसका नाम था मल, यानी कि यहां पर मलों के राजा थे। जो चंद्र राजा थे यहां इनको क्या देते थे, डोटी के मलों को पैसा देते थे, हर महीने इनको टैक्स देते थे, तो यानी कि ये एक टैक्स पेयर थे। क्या होता है कि भारतीय चंद को लगा कि यार हम इनको फालतू का पैसा देते हैं, हम क्या करेंगे, आज के बाद इनको पैसा नहीं देंगे। अब पैसा नहीं देंगे तो ये युद्ध करेंगे, तभी तो यार जब जीतेगा तभी तो पैसा नहीं देगा। तो भारतीय चंद ने क्या किया, जैसे ही वो शासक बनता है उसके तुरंत बाद उसने डोटी पर आक्रमण कर दिया, और जब वो डोटी पर आक्रमण करता है तो एक सेना बनाता है जिसको कटक कहते हैं, क्योंकि सेना का पर्यायवाची कटक होता है, तो उस सेना को कटक कहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को वो शामिल करता है। अब ये जो कटक सेना थी ये पिथौरागढ़ की तरफ जाती है और वहां पर जो इनके जो सैनिक थे या अधिकारी थे वह स्थानीय महिलाओं से क्या बना देते हैं, संबंध बना लेते हैं या विवाह कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये 12 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ ये जो सैनिक या अधिकारी थे ये वापस आ जाते हैं और जो महिलाएं थी उनको वहीं पर छोड़ देते हैं, और जब वो महिलाओं को वहां छोड़ देते हैं तो उन महिलाओं के पास रोजगार का साधन नहीं था। तो उसके बाद यहां पर ये एक कुप्रथा चली जिसको हम वैश्यावृत्ति कहते हैं। तो ये उस सैनिकों से जो संतान की उत्पत्ति हुई उसको एक नायक जाति का नाम दिया गया, और ये जो नायक जाति के लोग थे ये वैश्यावृत्ति का कार्य करते थे और इसमें अपने परिवार की महिला जो छोटी बच्चियां थी उनको भी धकेल देते थे। तो जो कुमाऊं के जो तत्कालीन बड़े नेता थे उन्होंने देखा कि ये गलत परंपरा है, तो उन्होंने उसके विरोध में कार्य किया कि नायक जाति की महिलाएं बालिकाएं इनको पढ़ाई लिखाई का मौका दिया जाए, और इसके लिए नायक सुधार समिति बनाई गई। लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसके लिए एक नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया 1929 में। चलिए अगला, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार किस जिले में है, तो देहरादून में उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर के भंडार है। अगला प्रश्न, भेकल ताल या ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल है, तो उत्तरकाशी में ऐसा कोई ताल नहीं है, बागेश्वर में भी नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, तो यानी कि चमोली में होगा। भेकल ताल की विशेषता क्या है, यह अंडाकार ताल है। ठीक, अगला प्रश्न, वन अनुसंधान FRI भवन का डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन CG ब्रॉमफिल ने किया था
और इन्हीं के डिजाइन के आधार पे 1906 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन जो एफआरआई है उसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इसको 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में डीम्ड, ठीक। और यह वर्तमान में देहरादून में स्थित है, ठीक, कहाँ है, देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न, कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का वर्तमान में प्रकाशन कहां से होता है, तो इसका प्रकाशन वर्तमान में कोटद्वार से होता है, ठीक। तो जो कर्मभूमि समाचार पत्र है यह 1939 में 1939 में इसको भक्त दर्शन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, और वर्तमान में कोटद्वार से। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 87.40 उत्तराखंड की पुरुष क्या है साक्षरता दर है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर है वह रुद्रप्रयाग जनपद की है। अगर हम महिला साक्षरता देखें तो यह उत्तराखंड में 70% है। चलिए अगला प्रश्न, द्वार हिमालय की किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं, ठीक। इसको पश्चिम में दून कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं। दून या द्वार मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच की संरचनात्मक घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ये हो गया। पवार वंश के शासकों का सही क्रम बताइए, तो बलभद्र शाह, श्याम शाह, फतेह शाह और प्रद्युम्न शाह। तो वैसे बलभद्र के बाद मान शाह आते हैं, फिर श्याम शाह आते हैं, फिर महीपति शाह आते हैं, फिर प्रतिपति शाह आते हैं, फिर फतेहपति शाह आते हैं, प्रदीप शाह आएंगे, फिर प्रद्युम्न शाह आएंगे। लेकिन यहां पर बीच के कोई भी राजा नहीं है, तो हमारे पास बलभद्र पाल शाह, श्याम शाह, फतेह शाह और प्रद्युम्न शाह। बलभद्र पाल शाह या परमार वंश के पहले शासक थे बलभद्र पाल शाह, जिन्होंने की शाह की उपाधि धारण की थी। श्याम शाह इनको गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, या आप बोल सकते हो कि यह पहला गढ़वाली शासक था जो मुगलों से मिलने गया था। उसके बाद फतेह शाह इनके नौ रत्न थे और संयुक्त गढ़वाल का अंतिम शासक, ठीक, संयुक्त गढ़वाल का अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह। अगला, उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य आंगन में आयोजित किया जाता है, तो भैया चौपती भी नहीं, यह रवाई जौनपुर का नृत्य है, रासो भी नहीं है, छोलिया भी नहीं है, इसका जो उत्तर है वो थड़िया है, ठीक। तो आपसे पूछा जाए, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर क्या है, थड़िया है। थड़ मतलब होता है आंगन, तो ये जो नृत्य है वो आंगन में किया जाता है, थड़िया। चंद शासन काल में भाग नामक कर लगाया जाता था, तो भाग होता था घराटों पर, ठीक, तो ये घराटों पे लगता था। चलिए अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी, ठीक। अब काशीपुर अधिवेशन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे यहां पर यह प्रण लिया गया कि इस वर्ष या अगले वर्ष हम क्या करेंगे, कुली बेगार को समाप्त करेंगे, ठीक। तो कुली बेगार को समाप्त करने का यहां पर प्रण दिया गया कि भाई इसी बार करेंगे। हरगोविंद पंत, इनके बारे में कुछ, इनको सल्ट का गांधी कहते हैं, सल्ट का गांधी कहते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को समाप्त किया। ये उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, कुमाऊं में नियम था कि जो ब्राह्मण होते थे वो हल नहीं चलाते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कृषक हूं, और फिर इन्होंने इस परंपरा को तोड़ने का कार्य किया, ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ 1950 में। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हर्बल पार्क माणा में है, आर्किटेक्ट पार्क गोपेश्वर में है, पॉलिनेटर हल्द्वानी में है, लेकिन जो कवक पार्क है ये यहां माणा में नहीं है बल्कि कहां है? मुनस्यारी में है। मुनस्यारी, और मुनस्यारी कहां है? पिथौरागढ़। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। लाया गया 65,571। ये हमारा जो बजट था वो 2022-23 का बजट था। उत्तराखंड का जो इस बार बजट था वो कहां पर पेश किया गया? वो किया गया था गैरसैंण में। और बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री ने। और उत्तराखंड का वित्त मंत्री कौन है इस समय कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल। और प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के क्या है? विधायक। चलिए अगला प्रश्न। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों की मांग कितने जिलों की स्थापना की बात की थी? तो इन्होंने 8 पर्वतीय जिलों की बात की थी। उसमें रुद्रप्रयाग भी नहीं था, बागेश्वर नहीं था, हरिद्वार भी इस तरफ को नहीं था। तो 8 जिलों की इन्होंने क्या की थी? बात की थी। 3 मंडल बोले थे कि भाई 3 मंडल बनाओ। दूसरा इन्होंने एक और बात कही थी कि गैरसैंण क्या होनी चाहिए? राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और जल्दी ही अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। और तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, हम आपकी तैयारी में आपका सहभागी इसी तरह बनते रहेंगे। धन्यवाद।